तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो रिदम बनाया हूँ, ठीक है, वो रिदम पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है हुड़का बीट को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास जो है रेक्स फाइल है हुड़का बीट का, ठीक है। अब रेक्स फाइल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप 130 BPM, 150 BPM या 150 BPM का कोई भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो उसमें हुड़का बीट जो है वो हुड़का बीट को यदि सिंपली आप इस पे ला के उसको पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ इस पे ला के छोड़ दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो जो है आपको ना टेम्पो सेट करना, वो ऑटोमेटिक इस टेम्पो में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हुड़का बीट जो है सेट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि हुड़का बीट को कैसे एडजस्ट करते हैं और कैसे हुड़का बीट को लगाते हैं। तो चलिए ये मेरा जो ट्रैक है थोड़ा सा हम इसको ओपन करके आपको सुना देते हैं। मैंने एक भक्ति सॉन्ग पे जो था वो मैंने ट्रैक को जो क्रिएट किया है, मैंने अभी सारा ये कंप्लीट ट्रैक नहीं हुआ है, बट मैं आपको रिदम आपको एक बार सुना देता हूँ कि किस तरह से ये रिदम जो है बना हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगलवार मेरा है, शनिवार मेरा है, तो संभालो बालाजी दरबार मेरा है। गलबार गलबार मेरा है, शनिवार मेरा है, तो संभालो बालाजी दरबार मेरा है। तो देखिए ये दोस्तों रिदम बना हुआ है, ठीक है, इस म्यूजिक का जो है कंपोजिंग किया हुआ है। अब इस पे जो है हम हुड़का बीट लगाते हैं। हुड़का बीट लगाने से देखिए हमारा जो सॉन्ग का जो रिदम बजेगा वो निखर के बजेगा। अभी इसमें मैं कॉर्ड बेस या बेस लाइन वगैरह का यूज़ नहीं किया हूँ, सिंपली ये अभी ट्रैक ये कम्प्लीट नहीं हुआ है। चलिए इसमें हुड़का बीट को ऐड कर लेते हैं। तो चलिए मैं अपने यहाँ से जो है हुड़का बीट को ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ से आऊँगा, अपना जो है वो रिदम्स फाइल में आऊँगा, ठीक है, मैं अपना रिदम्स फोल्डर को ढूँढ लेता हूँ। ये रही हुड़का बीट, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हुड़का बीट है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको देखिए ये जो 180 से 120 BPM, ये जो है 130 से 160 BPM का हुड़का बीट है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक आप यदि इसको सिर्फ ले जाके नीचे छोड़ दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जो है, ठीक है, ये लोड ले लेगा। चलिए तो मैं आपको पहले बजा के दिखा देता हूँ कौन कौन से इसमें हुड़का बीट है। तो वीडियो दोस्तों आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और इस हुड़का बीट को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और कुछ प्राइस आपको देना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। या पंजाबी सॉन्ग को क्रिएट करने के लिए भी आप जो देखिए इसमें जो है इसमें बहुत सारे जो है आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगा लमसम, आपको जो है इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सारे आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको उठा के इस पर ये आपको देख लेना है किस हिसाब से आपको बहुत अच्छे इसको आप अपने सॉन्ग के रिकॉर्डिंग जो है आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है ये देखिए ये है 80 से 120 BPM। चलिए इसको बजा के सुनते हैं। चलिए चलिए ये वाला जो है चलिए इसको लगा के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वाले को सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपना QS5 प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे सिंपली इसको नीचे जो है आपको उठा के छोड़ देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है इसको ऐड कर देता हूँ
सिंपली ओके पर क्लिक करूँगा और ये देखिए ऑटोमेटिक जो हुड़का बीट है ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सीधा इसको हुड़का बीट को जो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं टेम्पो पे कर देता हूँ और उसके बाद देखिएगा ये जो है ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट ले लिया अपने ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप कम कम कंट्रोल यहाँ से जो है कम कंट्रोल डी आप कीजिएगा तो ये जो है बढ़ती जाएगा। ठीक है, बढ़ती जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको जिधर भी आपको सेट करना है कर सकते हैं। देखिए ये जो है ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो यहाँ से जो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ। चलिए मैं अपना फाइल में देता हूँ और देख लेता हूँ अच्छा सा बजा के। ठीक है, इसमें जो आप बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग क्वालिटी बना सकते हैं। ठीक है, इस हुड़का बीट को लेके। ठीक है, तो आपको चार्ज कम ही पड़ेगा इसका। ठीक है, आप हमको कॉल कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर मेरा मिल जाएगा। ये जो ऑटोमेटिक हुड़का बीट है रेक्स फाइल है। ठीक है, आप जो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अपनी BPM सेट नहीं करना, जिस BPM में आप सॉन्ग को क्रिएट कर रहे हैं बना रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पे जाके इसको कॉपी पेस्ट कर देना। ये ऑटोमेटिक है दोस्तों, ऑटोमेटिक टेम्पो ले लेता है। देखिए मैं इस वाले को लूप्स को लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा किस तरह से ये साउंड कर रहा है। चलिए मैं यहाँ से इसको जो है पहले सुन लिया, अब इसको जो है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोमेटिक सेट हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं लाइनिंग कर दिया, आप देखिए। चलिए मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सुनते हैं कि ये कैसा बज रहा है। चलिए इसके नीचे लगा दीजिए। तो ये अल्ट्रा टाइप का लग रहा है सॉन्ग। तो इस तरह से आप दोस्तों ऐप से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे अधिक जो बजता है ये तीन हुड़का बीट बजता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तीन जो हुड़का है सबसे अधिक बजता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए ये तीन चार जो है सबसे अधिक बजता है। देखिए और मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए तीन चार दोस्तों जो है वो अच्छा सबसे अधिक यूज़ होता है शंकर सिंह के म्यूज़िक वगैरह में, रिदम वगैरह में। तो चलिए ये हुड़का बीट को जो जैसे कि आपको बनाने में दिक्कत हो रहा है, चलिए मैं जैसे कि इस वाले हुड़का बीट को यहाँ से कॉपी करूँगा। ठीक है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा अपने इस वाले ट्रैक पर। ठीक है, ट्रैक पर जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ से मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ऑटोमेटिक यहाँ से सेट कर लीजिए। चलिए यहाँ से आप उसको बजा के देखिए। ठीक है, देखिए ये अब सेट हो गया आपका। देखिए देखिए इसमें तो और अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो इस तरह से दोस्तों आप जो हुड़का बीट को ऑटोमेटिक मैच करवा सकते हैं किसी भी BPM में। चलिए मैं दूसरा कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, उसमें आपको लगा के दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और कोई एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि उसमें जो है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। फिर चलिए हुड़का बीट को देखते हैं, यहाँ से मैं आपको क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आपको मैं दूसरा कोई प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, चलिए ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं रिदम के, लेकिन ये प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैं हुड़का बीट को आपको लगा के दिखा रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारा जो हुड़का बीट है वो इसमें काम कर रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो
तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, इसको थोड़ा ओपन होने में टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लगइन्स जो है इसमें इंस्टॉल है, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक प्रोजेक्ट मैंने ओपन करके रखा है, तो इस पर भी हम जो है हुड़का बीट को लगा के देखते हैं वो हमारा हुड़का बीट जो है वो मैच करता है या नहीं करता। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे सुना देता हूँ। मेरा जो है दोस्तों पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से जो है वो थोड़ा फंस रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो यहाँ से है इस पर जो है उड़का बीट लगा देते हैं। ठीक है, लगा के देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। दोस्तों मेरे पीसी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से जो है जो आपको आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती होगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए यहाँ से हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी हाई प्रोजेक्ट था जो ये प्रॉपर तरीके से जो ये ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें लगा दिए हैं उड़का बीट और देखते हैं। यहाँ से हम देख लें कहाँ से स्टार्टिंग है, तो यहाँ से स्टार्टिंग है, तो हम जो है सिंपली इसको ऐसे यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये वाले लेयर को हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिदम है, उसके रिदम को जो हम यहाँ पे स्ट्रेट पर जो ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे लगाने के बाद चलिए हम थोड़ा सुनते हैं यहाँ से जो है ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब इस यहाँ से देखते हैं ओपन करके। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट जो काफ़ी हाई की वजह से ये सही से नहीं चल रहा है, चलिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करते हैं। ठीक है, कैंसिल करने के बाद एक नया कोई सा रिदम लेते हैं, उसके ऊपर जो है इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये वो मैच होता है या नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से मैं न्यू पे क्रिएट कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे दे देता हूँ और यहाँ पे ओके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक ऑडियो ट्रैक ले लेता हूँ। ठीक है, और ऑडियो ट्रैक लेने के बाद जो है यहाँ से मैं एक रिदम को इसमें ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं कोई सा रिदम एक ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए ये वाला को मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ सिंपली। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और इसका बीपीएम मुझे पहले देखना होगा कि कितना बीपीएम में है। तो यहाँ से जो है मैं सिंपली मुझे इसमें बीपीएम वीपीएम कुछ पता नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक ही इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ से उड़का बीट को जो ऐड कर लेता हूँ। चलिए सारे को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ला के पेस्ट करता हूँ सिंपली। ठीक है, देखता हूँ ये जो मैच होता है या नहीं होता है। चलिए यहाँ से मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो है इसमें आ गए। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा इसको हटा देता हूँ, इधर कर देता हूँ और इसको वाले को कॉपी करता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से सुनते हैं कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए ये हिप हॉप है, फिर उसमें भी हुड़का बीट जो है ये मैच कर रहा है। तो आप जो है इसको किसी तरह से किसी भी सॉन्ग में यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक हुड़का बीट है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हुड़का बीट है और ये जो आपके सॉन्ग में ऑटोमेटिक लगाने के बाद ये टेम्पो को डिटेक्ट कर लेगा और इस उसी टेम्पो में ये बजना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए यहाँ से कुछ ठीक बज रहा है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम इस तरह से इसको ट्रैक पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ट्रैक पे ऐड करने के बाद यहाँ से सुनते हैं ये जो है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो इस तरह से दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक हुड़का बीट है, ये किसी पे भी मैच कर जाएगा, आपको कोई सा भी टेम्पो हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक जो है ये ऐड हो जाएगा। और मैं आपको इसका पैकेज दिखा देता हूँ, ये पैकेज में जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप जो है यहाँ से 80 से 120 टेम्पो में इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे जो है 130 से 160 टेम्पो का यदि आप कोई रिदम को क्रिएट कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो है आप आराम से ये सारे लूप्स जो है आराम से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं दोस्तों, तो आपको ये पैकेज लेना है तो देखिए यहाँ नीचे है बहुत सारे, इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो है ये पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। यदि ये पैकेज आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। इसका कुछ प्राइस देना होगा, यदि आप म्यूज़िक कंपोजर हैं तो ये आपको बहुत ही मतलब आपके जो प्रोजेक्ट में चार चांद लगा देगा, ठीक है। जब जानते हैं हम कि शंकर सिंह वगैरह का जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो यही इसी चीज़ का यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्त के साथ इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। कोई आपका सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे थे कैसे सीखूं यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।